हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू लाडली का रोज़ाना का श्रृंगार, जो कि मैं समर्स में करती हूँ। तो इस दौरान मैं उनको ज़्यादा हार वगैरह नहीं पहनाती, डेली का श्रृंगार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परसों ही उनके लिए इतने सारे नानी के यहाँ से गिफ्ट्स आए थे, जो कि उन्होंने हैंडमेड सारी ड्रेसेस बनाई हैं। लड्डू लाडली ज़्यादातर नानी के हाथ के कपड़े पहनते हैं क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल हैं। ये देखिए, ये राधा रानी के लिए फ्रॉक बनाई है उन्होंने, काफ़ी कंफर्टेबल है, हर तरह से खुली है, बस साइड से बंद है। और ये देखिए टोपी, प्यारी सी कैप बनाई है। तो ये राधा रानी की पोशाक है जो आज मैं उनको पहनाने वाली हूँ। और साथ ही में ये लड्डू गोपाल की, देखिए ये भी बड़ी कंफर्टेबल सी, एक ऊपर का टॉप है और नीचे की शॉर्ट्स है और साथ ही में टोपी। तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल कपड़े हैं और मैं रोज़ ज़्यादा गहने उनको नहीं पहनाती हूँ। तो और ये छोटे कान्हा जी जो हमारे हैं उनके लिए है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल गर्मी नहीं लगती इसमें, क्योंकि आप देख ही सकते कपड़ा भी ऐसा है और उसको बनाया भी ऐसे है। तो ये हमारी लाडली आ चुकी है नहा के, तो चलिए इनको तैयार करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी लाडली है हमारी। तो जैसा कि मैंने कहा, इनको कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं नानी के हाथ के बनाए हुए, क्योंकि वो बहुत प्रेम से बनाती हैं इनके लिए। तो आप सभी कमेंट्स में काफ़ी बार पूछते भी हैं कि दीदी आप कपड़े कहाँ से लाती हैं, तो मैं हर बार बताती हूँ कि मेरी नानी बनाती हैं। तो इनके पास जितने भी कपड़े हैं इनके वार्डरोब में, ज़्यादा से ज़्यादा नानी के बनाए हुए हैं। तो ये देखिए मैं इनको कमल का इत्र लगा रही हूँ भी, तो काफ़ी प्यारी लग रही है पिंक ड्रेस में। और मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि लाडली हमारी जो है लाइट कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए लाइट कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं इनके देखिए मोती के, मैं इनके कान के इयररिंग्स पहना रही हूँ। तो और मैं आप पे कुछ, ये देखिए ये नज़रिए हैं, ये मैंने मेरी नानी ने ही बनाए हैं बीड्स से, ब्लैक और वाइट बीड्स से मिलके। तो नज़रिए से उनको नज़र नहीं लगती, तो ये मैं उनको रोज़ ही पहनाती हूँ ताकि उनको नज़र ना लगे। और छोटे बच्चों को तो वैसे ही हम नज़रिए पहनाते ही हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे छोटे छोटे हाथ। तो अब मैं इनको मोती की माला पहनाने वाली हूँ। ये देखिए ये भी मैंने इनके लिए घर पर ही बनाई है, मोती बाज़ार में मिल जाते हैं, तो उनको साथ में पो दिया है। कितनी अच्छी लग रही है, देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई गर्मी नहीं लगती, क्योंकि मोतियों से ठंडक पहुंचती है ना कि गर्मी लगती है। और अब मैं उनको एक स्टोन की बिंदी लगा रही हूँ जो भी ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये मैं रोज़ उनको स्टोन की बिंदी लगा देती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और इनके नथ तो मैं हमेशा ही स्टोन की बिंदी यहाँ पर रहती है। तो ये देखिए कैप भी आ चुकी है इनकी, बिल्कुल भारी श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल हल्का सा श्रृंगार है, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है तो इसीलिए। तो राधा रानी हमारी तैयार हो चुकी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं आप देख ही सकते हैं, हंस भी रही हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। तो चलिए राधा रानी के बाद अब बारी है हमारे छोटे कान्हा की। तो ये देखिए ये भी नहा के आ चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे से। और इनके लिए भी देखिए, मैं आपको भी ड्रेसेस दिखाई थी, वही ड्रेस मैंने उनको पहनाई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, कोई गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, कुछ त्यौहारों पर मैं इनको हार अवश्य पहनाती हूँ, बहुत अच्छे श्रृंगार भी करती हूँ, लेकिन अभी इतनी गर्मी में मैं रोज़ाना उनका श्रृंगार नहीं करती। तो यहाँ पर मैं इत्र लगा रही हूँ उनके, और इनको भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। इनके भी देखिए छोटे छोटे नज़रिए हैं जो बनाए हैं, तो नज़रिए तो मैं सबको पहनाती हूँ। और उसके अलावा मोती की हार ही है जो मैंने तीनों के लिए बना के रखा है। तो मोती का हार आपको भी उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोती के हार से क्या है, ठंडक पहुँचती है जैसा कि मैंने बताया, तो गर्मियों में उनको अच्छा लगता है। ये देखिए, और अब मैं इनको मुकुट पहना दूँगी और बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इनका मुकुट बीच में गिर जाता है, तो ये अब तैयार हो चुके हैं और मैं इनको चंदन का टीका लगा दूंगी। और ये हमारे छोटू कान्हा तैयार हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अब बारी है हमारे प्यारे गोलमोल लड्डू की, तो चलिए उनको लेके आते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लड्डू हमारे नाके आ गए हैं। इनके चेहरे पे हमेशा एक शैतानी भरी मुस्कान अवश्य होती है, हैं ही लीलाधर। तो ये देखिए ये एकदम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं नहा धो के, और बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब मुझे तो इनके कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो ये देखिए कितने खुश हैं नानी के हाथ के कपड़े पहन के। वैसे भी वो तो प्रेम ही देखते हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं उनको भी इत्र लगा रही हूँ, अच्छे से महका दूँगी मैं इनको। और इत्र तो भगवान को पसंद ही है। इनको भी मैं नज़रिए पहना रही हूँ। जब मैं इनको नज़रिए पहनाती हूँ ना तो मुझे इनके हाथ बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़ा ही लाड आता है इनके ऊपर, क्योंकि छोटे छोटे हाथों पे छोटे छोटे नज़रिए जैसे कि छोटे बच्चों को पहनाते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनको भी मैं एक मोती की माला पहना रही हूँ। और देखिए बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, दर्शन करती हूँ तो ये मैं देखती हूँ कि भगवान को ऐसे भारी भारी वस्त्र पहना रहे हैं, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी भगवान को गर्मी भी तो लगती होगी। तो बाकी सबके भाव हैं तो पहनाते हैं, पर मुझे उनको ऐसे गर्मियों में इतने ज़्यादा गहने पहनाने से मुझे खुद को ऐसा लगता है कि इनको कितनी गर्मी लग रही होगी, तो इसीलिए सबके अलग अलग भाव हैं। तो ये देखिए मोती के, इन पे मोती बहुत अच्छा लगता है सच में, तो मैं इनके लिए मोती की काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ, नानी भी बनाती है। और ये देखिए पतला सा, बिल्कुल पतला सा पटका लिया है यहाँ पे, बहुत ही पतले कपड़े का, तो पटका मैं इनको पहना रही हूँ क्योंकि इनको पटका पहनना काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा लुक आ चुका है मेरे लड्डू के, और कितने खुश लग रहे हैं वो, देखिए कितने प्यारे हैं। आप सभी काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखते हैं इनके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको पढ़ाती भी हूँ। और यहाँ पर मैं इनको चंदन का टीका लगा रही हूँ। चंदन का टीका लगाने के बाद तो ये और खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे चंदन का टीका के बाद यहाँ पे मैं इनको कैप पहना दी है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू, थोड़ी सी नेपाली टच आ गई है, थोड़े से नेपाली लग रहे हैं, लेकिन जैसे भी लग रहे हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं और हंस भी रहे हैं। देखिए देखिए आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे हैं ये। और मैंने यहाँ पे इनको फूल नहीं दिया है, अभी मैं इनको मंदिर में ले जाके इनको फूल दूंगी सबको, क्योंकि समर्स में फूल भी देना चाहिए भगवान को, अच्छा लगता है उनको। तो ये हो गया हमारे तीनों बच्चों का श्रृंगार। और अब मैं मंदिर में जाके उनको कुछ पुष्प दिलाऊंगी। ये देखिए सबको मैंने एक एक पुष्प दे दिया है, और सब बड़े प्यारे बच्चे बैठ गए यहाँ के, सब तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में, ऐसे ही मैं उनका डेली श्रृंगार करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।